Hello my loves, assalamu alaikum and welcome back to my channel. My name is Laraib Amjad and I make makeup related videos here on YouTube. बट आपको पता है कि आज हम बहुत डिफरेंट सेटिंग में हैं. ऑब्वियसली आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि आज की वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टैंडर्ड मेकअप ट्यूटोरियल. आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. आज हम एक स्टोरी टाइम वीडियो करने वाले हैं. मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करूँगी आज की वीडियो में. About a few days ago I uploaded a picture on my Instagram. वो पिक्चर मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी ताकि आप देख लें. और उस पिक्चर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. एवरीबडी लव्ड इट एंड पीपल आस्क्ड मी सो मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट वीडियो कि आपने वेट कैसे लूज़ किया, आपने फैट कैसे रिड्यूस किया, आपने इंचेस कैसे कम किए, आप क्या खाती थी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो आई डिसाइडेड कि एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, इस बारे में बात करते हैं इस बारे में, बिकॉज आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे ऐसे जो इस बारे में बात करना चाहते होंगे, जो इस बारे में कोई टिप्स और ट्रिक्स लेना चाहते होंगे, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन हेल्प देम. बट उससे पहले मैं ये भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर या कुछ भी ऐसा नहीं हूँ. मैं बस एक फेज से गुजरी हूँ अपनी लाइफ की और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो यह बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, आई नो, एंड ये वीडियो थोड़ी स्टोरी टाइम होने वाली है. तो अगर आप देखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया तो प्लीज़ लेट्स जस्ट डाइव इनटू द ट्यूटोरियल. तो सीन कुछ यूँ हुआ that I conceived Fatima when my weight was around 40 kgs. and मैं हमेशा से एक ऐसा बंदा रही हूँ जिसने underweight रह के अपनी पूरी लाइफ गुजारी है. Like I have always been underweight. I never was a healthy child. I always was a skinny person. I was an underweight sort of इंसान. तो मुझे शादी से पहले वेट गेन करने के लिए बकायदा डेट्स के मिल्क शेक्स और जंक फूड और इस तरह की हेल्दी अनहेल्दी दोनों चीज़ें इस तरह की बहुत ज़्यादा खिलाई गई जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत वेट गेन हो और मैं अपनी ब्राइडल वेयर में अच्छी लगूँ. एंड शादी से पहले माई वेट वॉज अराउंड 37-36. तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ इंसान जिसने अपनी बॉडी को कभी मोटा नहीं देखा, कभी भी. तो when I conceived Fatima, my weight started increasing like crazy, and I got so insecure of my body. But मुझे आप सबके साथ ही शेयर करना है कि आपकी फिज़िकल अपीयरेंस डज़ नॉट मैटर एट ऑल. अगर ये वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको लगता है कि वो मोटा है या ऐसा बंदा देख रहा है जिसको लगता है कि वो बहुत पतला है, तो मैं आपके साथ बस ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ सोसाइटल प्रेशर है जो हम लड़कियों के ऊपर, हम नॉट लड़कियों के ऊपर, इनफैक्ट लड़कों के ऊपर भी है कि जी आपको सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के लिए एक सर्टेन बॉडी टाइप का होना चाहिए. दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. आप यू कैन बी फैट एंड ब्यूटिफुल, यू कैन बी डार्क एंड ब्यूटिफुल, यू कैन बी ऑफ एनी कलर एनी बॉडी टाइप एंड स्टिल बी वेरी ब्यूटिफुल. आपको सिर्फ खुद को ब्यूटिफुल फील करना है. आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस पॉजिटिव नोट. और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि वेट गेन जर्नी, weight losing journey, I have been through both. I had to gain weight when I was about to marry and I had to lose weight when I gave birth to Fatima. So Fatima basically happened when I was 22 years old and मेरा वेट 40 से तकरीबन 67, 68 तक गया. आई गेस 70 तक गया अबाउट मेरे नाइन्थ मंथ में. माई वेट वॉज अराउंड 70 kgs. तो आई डिड पुट ऑन ऑलमोस्ट 30 kgs इन माई प्रेगनेंसी विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. आपको वेट इतना पुट ऑन नहीं करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में. आपको वॉक करनी चाहिए है, आपको कम खाना चाहिए. आई डिड ईट अ लॉट. आई यूज़ टू ईट ऑल द टाइम व्हेन आई वाज प्रेगनेंट विद फातिमा. मैं हर वक्त खाती थी जिसकी वजह से मुझे अल्टीमेटली ये नुकसान उठाना पड़ा कि मेरा वेट बहुत एबनॉर्मली इंक्रीज़ हुआ। तो वेट शेड करना इज़ ऑल्सो नॉट वन नाइट प्रोसीजर, ये आप एक रात में नहीं कर सकते हैं कभी भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वेट अभी भी बहुत कम नहीं हुआ है। आई कैन सी अ विजिबल डिफरेंस इन माई बॉडी बट माई वेट इज़ स्टिल अराउंड 57, आई गेस 56-57। मैं 70 से 55 तक पे आना चाहती हूँ। आई एम स्टिल नॉट ऑन द एक्चुअल वेट दैट आई वॉन्ट टू बी, क्योंकि मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से, आई एम 5'4", तो उस हिसाब से 55 तक की वेट आपका बहुत ठीक होता है। आई हैव ऑलवेज बिन अंडर वेट, तो मुझे अंडर वेट भी नहीं जाना अब। बट जो चीज़ें मैं करती थी या जो चीज़ें मुझे हेल्प आउट की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई हैड फातिमा आई स्टिल कुडंट स्टॉप ईटिंग अ लॉट, बिकॉज मैं फातिमा को फीड कराती थी खुद, तो मैं स्टिल काफ़ी खाती थी। मैं क्रैश डाइट पर नहीं जा सकती थी। एंड मेरी बहन की शादी थी, लाइक फातिमा व्हेन फातिमा वाज अराउंड 6 months या माई सिस्टर गॉट मैरिड, तो मेरी बहन की शादी पर भी आई वॉज लाइक दिस फैट एंड आई वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड इन द पिक्चर्स एंड एवरी थिंग। बट वो एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। यू गॉट सच अ ब्यूटिफुल थिंग आउट ऑफ इट, यू गॉट अ बेबी, और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, उसको आप कुछ भी इस तरह का नहीं कह सकते हैं कि जी गलत है या कुछ हो गया एंड बैड थिंग हैपेंड, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हुआ ये कि मुझे अपनी डिग्री को फ्रीज़ करना पड़ा फातिमा की वजह से। आई वॉज स्टिल स्टडिंग। तो जब फातिमा 3 months की हुई तब मैंने अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। तो यूनिवर्सिटी जाने से क्या हुआ कि मुझे वैसे वॉक का टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। मैं फातिमा के साथ होती थी पूरा टाइम, तो आई कुड नॉट गो आउट अलोन वॉक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे यूनिवर्सिटी जाके ये फ़ायदा हुआ कि मुझे वॉक का टाइम मिलता था। मैं यूनिवर्सिटी जब जाती थी तो मैं फातिमा को अपनी अम्मी के पास छोड़ती थी और मैं यूनिवर्सिटी चली जाती थी, और वहाँ पर जब मेरी क्लास नहीं होती थी या कुछ भी इस तरह का होता था कि जिसमें मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो आई यूज़ टू वॉक। आई स्टिल रिमेंबर मैं ईयरफोन्स लगाती थी और पूरी यूनिवर्सिटी के चक्कर काटना शुरू हो जाती थी, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कुछ। फिर मैंने खाना यूनिवर्सिटी के टाइम पे बहुत कम कर दिया था, क्योंकि यूजुअली भी जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, तो मैंने खाना बहुत कम कर दिया था, विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ आप वेट लूज़ करने के लिए वॉक करें, क्योंकि 3 टाइप के आपके वेट्स जो हैं वो होते हैं। मैं शायद इतना ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम प्रोफेशनली डूइंग। मैं आपके साथ सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल फिटनेस या इस तरह की इंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि वेट गेन, वेट लूज़ किस तरह से होता है। ऑब्वियसली आपका वेट गेन तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा काउच पोटैटो बन जाते हैं, जब आप खाते हैं और बस बैठे रहते हैं। ऑब्वियसली आपकी एक्टिविटी होती है तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। बेसिकली आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। मेरी बहन की शादी से पहले आई स्टार्टेड जिम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सी सेक्शन हुआ था और उसकी वजह से आई कुडंट रियली वर्कआउट। मैं वर्कआउट स्टार्ट करती थी तो मुझे कुछ अरसे बाद ऐसे लगता था मेरे स्टिचेस स्वेल हो गए हैं, और मुझे बहुत से लोगों ने ये सजेस्ट किया कि अभी आप जिम को नहीं कंसिडर करें, अभी आप नेचुरल तरीक़ों से करें, अभी आप वर्कआउट बाकी करें, अभी आप योगा करें, अभी आप ये चीज़ें करें। ऑनेस्टली मैंने योगा कभी भी नहीं किया, मैंने और कुछ भी कभी ट्राई नहीं किया। मैंने सिर्फ वॉक की है, और वॉक भी मैंने रेगुलरली नहीं की, बहुत कम मैं वॉक करती थी। मैं अभी भी बहुत कम वॉक करती हूँ, बहुत रेगुलर नहीं हूँ मैं अभी भी। इस वजह से मेरा वेट बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ। मेरी बेटी माशाल्लाह 1.5 साल की हो गई है और अभी मैंने तकरीबन 10 to 15 kgs भी लूज़ नहीं किया हुआ उस तरह, तो मेरे वेट लूज़ नहीं हुआ, मेरे इंचेस लूज़ हुए हैं। सेकेंडली मैं फातिमा को ब्रेस्ट फीड कराती थी। फीड कराने से ये होता है कि इट इज़ अ नेचुरल वे, जिसमें आप जब बच्चे को फीड कराते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो तो जब आपकी कैलोरीज बर्न होती है तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी टेंड्स टू स्क्वीज़ अ लिटिल। तो वो जब स्क्वीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो वो कोशिश करती है अपनी वापस शेप पे जाने की। तो इसका इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। तीसरा मैं ये करती थी कि मैंने खाना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, बट जो चीज़ मैं करती थी वो मैं ये करती थी कि मैं खाने के बाद ग्रीन टी लाजमी लेती थी। ग्रीन टी मैंने बहुत अरसा बहुत रेगुलरली ली है और ग्रीन टी लेने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि ग्रीन टी लेने से मुझे फ़ायदा हुआ है कि एक तो मुझे पर बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता था, दूसरा मुझे ये होता था कि मेरी मतलब आई यूज़ टू हैव सच अ पॉजिटिव एनर्जी ऑल द टाइम और मैं लाउजी सी और डिजी सी फील नहीं करती थी उस वजह से। मैंने बहुत फ्लेवर्स में अपने पास ग्रीन टी रखी हुई थी तो मैं उसको बहुत चेंज कर करके पिया करती थी। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि बहुत सी लड़कियां जो भी मुझे देख रही होंगी वो शायद मुझे इसलिए देख रही होंगी कि मैं आपको वेट लॉस के टिप्स बताऊंगी। बेसिकली मुझे वेट लॉस के लिए कोई स्पेसिफिक टिप्स या ट्रिक्स या इस तरह की चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ी, थैंक गॉड, बिकॉज आई हैड अ बॉडी टाइप जिसका मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा ख्याल रखूँगी तो वो वापस ही जाएगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन स्किनी। बट सिंस मैंने अपने आप को कभी मोटा देखा ही नहीं था तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और आई वॉज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद माई सेल्फ। मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा था, आई वॉज़ नॉट एट ऑल लुकिंग ब्यूटिफुल टू माई सेल्फ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंसान को ख़ुद को खूबसूरत लगना ज़रूरी है सबसे पहले। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर कोई नॉर्मली भी बंदी ऐसी है जो मुझे देख रही है जिसका पोस्ट ऑप वाला प्रॉब्लम नहीं है, जिसका बेबी इशू नहीं है, बट जस्ट शी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज शी वॉन्ट टू नो एनी थिंग रिलेटेड टू वेट लॉस। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप पोर्शंस में खाएं। अगर आप दिन के 3 मील्स लेते हैं तो आप दिन के 5 मील्स करते हैं, बट अपनी क्वान्टिटी कम कर लें। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मुझे पता चली मेरे वेट लॉस के जर्नी में और मैंने बेसिकली इस चीज़ को इग्नोर किया है, बट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप क्रैश डाइट पे मत जाएं, आप एकदम से फाके मत करें, बिकॉज़ अगर आप फाके स्टार्ट कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके नेल्स पे और आपकी ओवरऑल बॉडी पे, ओवरऑल आपकी मूड पे। आप क्रैंकी हो जाते हैं पूरा टाइम, आप बहुत एनर्जी लेस फील करते हैं, आप में एनर्जी ही नहीं होती कुछ भी करने की। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हेल्दी तरीके से करें। हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट में दूध ऐड करें, अपनी डाइट में एग्स ऐड करें, अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनके एक पर्टिकुलर पोर्शंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अपनी डाइट में। किसी एक चीज़ को आप कम्प्लीटली निकाल के फेंक दें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप पोर्शंस में खाएं। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो एक कर दें, अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो हाफ़ कर दें, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और खा लें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इंटरवल देते हैं अपने खाने में तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो इंसान खा लेता है कुछ। मैं एक चीज़ दिन में खा रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैंने वेट लूज़ करना है इसलिए मैं कम खाऊंगी, इसलिए मैं दिन के 2 मील्स ले रही हूँ। तो जब मैं दिन में खाऊंगी और वो मेरा खाना टाइम पर हज़म हो गया और अब मैं जब रात तक पहुँची हूँ तो मुझे इतनी भूख लग चुकी होगी कि मैं रात में खाना डट के खाऊँगी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका दिन के 2 मील्स करने का। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद खाएं। दूसरा मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई वेंट टू द जिम मुझे मेरी इंस्ट्रक्टर ने एक बात कही थी कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप हर 2 घंटे बाद 5-5 मिनट की वॉक कर लो। और उसने मुझे कहा आप हर 2 घंटे बाद उठो और अपने कमरे के ही 10 चक्कर लगाओ, 5 मिनट अगर आपके हो जाते हैं तो ठीक है, वरना कोशिश करो 5 मिनट की वॉक कर लो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आई वॉन्टेड टू कीप दिस थिंग एट द एंड, कि अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, पानी पिएं, आप जितना पानी पी सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ये बात नोटिस की है कि आप पानी कम पिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अगर एनर्जी लेना चाहते हैं तो वो अगर आप किसी आर्टिफिशियल मीन्स से लेते हैं तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम खाना जितना खा रहे हैं ना उसमें हमें उस तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो अगर आप कोई मल्टीविटामिन भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट, वो आपको एनर्जी देगी। अगर आप कम खा रहे हैं या अगर आप डाइट पर हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल नहीं लगी और आपको ये लगता है कि मेरी स्पेसिफिक बॉडी टाइप के लिए मुझे एक स्पेसिफिक टाइप चाहिए, एक स्पेसिफिक डाइट चाहिए, तो बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, आप हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं, आप उनसे अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से एक अच्छा सा डाइट प्लान ले सकते हैं। वो आपको वो दे देंगे, आप उसको अच्छे से अपनी उसमें डेली लाइफ में लेके चल सकते हैं। On the top of my head, these are all the things that I want to share with you all. Take multivitamins, hydrate yourself, workout करें। अगर आप workout नहीं कर सकते तो at least walk करें। दिन में आधा घंटा walk करना is enough। अगर आपकी भी छोटी सी बेबी है मेरी तरह तो आपके पास I get it टाइम नहीं होता है अपने आप को टाइम देने का, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान अपने आप को वक्त दे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है ये कि कोई इंसान अपनी बॉडी टाइप से खुश हो। अगर आप बहुत पतले हैं तो आपको बचपन से बॉडी शेम किया जाता है कि आप वेट गेन करें। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको बचपन से बॉडी शेम किया जाता है कि आप मोटे हैं, वेट लूज़ करें। तो खुश कोई भी नहीं है यहाँ पे। खुश इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख के हो सकता है, अपने से हो सकता है। आप किसी और के लिए अगर वेट गेन करना चाहते हैं, किसी और के लिए वेट लूज़ करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कोई एक बंदा कह देगा आप अच्छा लग रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको फिर भी कह ही देगा कि अच्छा क्या हुआ है आपको। आप क्योंकि मुझे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि मैं जब वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी तब भी मुझे बहुत लोग मिलते थे और कहते थे कमज़ोर क्यों लग रही हो, खा क्यों नहीं रही हो ठीक से, तुम खाया करो, तुमने बच्ची को फीड कराना होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वट हैपन्स, क्योंकि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप वो करें जो आपको पसंद है, आप ख़ुद को खुश रखें, आप सोसाइटी के लिए मत चलें, आप बस अपने आप को देखें। और अगर तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वेट लूज़ करें या वेट गेन करें तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप इसलिए चाहते हैं कि जी फला बंदा उसको मैं पसंद आ जाऊँ, मैं पतली हो जाऊँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, और अगर आप बोर हुए हो तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी सूरत में हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी।